हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूनिक कंप्यूटर क्लासेस की माध्यम से यूट्यूब के चलिए आपकी तरफ से आपको ऑनलाइन पढ़ाने का कार्य हो रहा है। डे बाय डे हम नए नए वीडियोस के साथ आपको कोर्स के साथ लेकर आते हैं और आज हम आपको पढ़ाना चाहते हैं कंप्यूटर की इकाई। कंप्यूटर की इकाई या यूनिट ऑफ कंप्यूटर पढ़ाने से पहले सबसे पहले आप यूनिक कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और जो भी वीडियोस आप देखें उसको लाइक करें और कमेंट करें। जैसे कि आप जब कमेंट करेंगे तो आपकी जो क्वेरी होगी उसको हम आपको रिप्लाई भी करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें बोर्ड पर लिखा हुआ है यूनिट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के इकाई, कंप्यूटर की इकाई के बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए हर एक चीज की कोई ना कोई इकाई होती है, कोई ना कोई यूनिट होती है, उसकी मेजरमेंट करने के लिए, उसको मापने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि कपड़े को मापना है तो उसके लिए मीटर का यूज किया जाता है, पानी को मापना है तो उसके लिए लीटर का यूज किया जाता है। तो हर एक चीज की कोई ना कोई क्या होती है, यूनिट होती है, इकाई होती है। कंप्यूटर को हम लोग मापते हैं, कंप्यूटर की जो क्या होती है इकाई, यूनिट क्या होती है उसको हम लोग आज बताएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। देखिए कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है क्या कहलाती है, बिट कहलाती है। हमारी क्या कहलाती है, बिट। बिट में केवल दो, एक जीरो या वन होती है। बिट किसी कहते हैं जीरो या वन को, और जो जीरो और वन होती है, वन को, जीरो को हम ऑफ बोलते हैं और वन को हम ऑन बोलते हैं। ऑन और ऑफ से इसको हम रिप्लाई कर सकते हैं। ये दो कंडीशन होती है, या तो ऑन की या तो ऑफ की कंडीशन होती है। तो जीरो को हम ऑफ बोलते हैं, डिनोट करते हैं, वन को हम लोग ऑन से डिनोट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जीरो और वन से इसको लोग डिनोट करते हैं। इसको हम लोग, और भी जो ऑफ होता है इसको हम लोग फॉल्स से भी डिनोट करते हैं और वन को हम लोग ट्रू से भी डिनोट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हम लोग कंप्यूटर की इकाई होती है। जो कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी डिजिट यूनिट होती है, उसको हम लोग बाइनरी डिजिट बोलते हैं। बाइनरी डिजिट को हम लोग बिट बोलते हैं। बाइनरी का उन्होंने बी ले लिया, डिजिट का आईडी ले लिया, इससे क्या बन गया आपका, बिट बन गया। ये सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी, जीरो और वन होती है। अब हम आपको इसमें और आगे बताएंगे कि उसके बाद एक बाइनरी डिजिट में क्या होता है, एक बिट। एक बाइनरी डिजिट में, बाइनरी डिजिट में एक बिट होती है और एक निबल में चार बिट होता है। एक निबल बराबर चार बिट होती है इसमें। अब एक बाइट बराबर आठ बिट होती है, एक बाइट बराबर आठ बिट। अगर आपसे ये बात पूछी जाए कि एक निबल में कितने बाइट बिट होते हैं तो आप बताएंगे चार बिट। एक बाइट में कितने निबल होते हैं तो बताएंगे दो बिट। यहाँ पर एक से हम आपको डिस्क्राइब कर देते हैं, एक बाइट बराबर दो निबल होता है। कितना होता है, दो निबल देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक चीज देख लीजिए आप, यहाँ पर जब एक निबल बराबर चार बिट, एक बाइट बराबर आठ बिट, एक निबल बराबर चार बिट, एक बाइट बराबर आठ बिट, तो एक बाइट में कितने निबल होंगे, एक बाइट में दो निबल होंगे, एक बाइट में दो निबल होगा हमारा। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एक बाइट बराबर कितने बिट होते हैं, आप बताएंगे आठ बिट होते हैं। एक बाइट बराबर कितने निबल होता है, तो दो निबल होता है। एक निबल में कितने बिट होता है, तो एक निबल में चार बिट होते हैं। ये सब इसकी यूनिट है। अब आते हैं उससे बड़ी वाली यूनिट होती है उसकी, एक केबी, वन केबी वाली किलो बाइट बराबर 1024 बाइट, 1024 बाइट, यानी एक केबी में 1024 बाइट होते हैं आपके। ये चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर आपका, एक केबी बराबर, एक किलो बाइट बराबर 1024 बाइट। एक एमबी, एमबी का मतलब होता है मेगा बाइट, एक मेगा बाइट बराबर 1024 किलो बाइट यानी केबी। एक एमबी बराबर 1024 केबी यानी किलो बाइट होता है आपका। फिर उससे बड़ी यूनिट होती है एक जीबी, जीबी का मतलब होता है गीगा बाइट 1024 एमबी। जीबी का नाम आप अक्सर जानते होंगे कि डेटा कितने जीबी का फोन आ रहा है, कितने स्टोरेज कैपेसिटी हो रही है, 16 जीबी, 32 जीबी, 256 जीबी, 256 जीबी। इस तरीके से क्या होती है, आपकी मोबाइल की स्टोरेज कैपेसिटी होती है, आप देखते होंगे 1 जीबी, इसको क्या बोलते हैं, गीगा बाइट बोलते हैं हम लोग। 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं, 1024 एमबी होते हैं आपके। एक टीबी, टीबी का मतलब होता है टेराबाइट, उससे बड़ी जीबी से बड़ी क्या होती है, टेराबाइट। एक टेराबाइट बराबर 1024 जीबी, 1024 जीबी। एक पेटाबाइट, पेटाबाइट, पेटाबाइट बराबर देख सकते हैं 1024 टीबी। एक ईबी, एक्साबाइट, एक्साबाइट बराबर होता है 1024 पेटाबाइट। एक एक्साबाइट बराबर 1024 पेटाबाइट।
एक जेड बी जेटा बाइट, एक जेटा बाइट बराबर 10 से 24 ईवी एक्सा बाइट। अब आगे आते हैं हम लोग, एक वाई बी योटा बाइट, एक वाई बी योटा बाइट बराबर 10 से 24 जेड बी, एक वाई बी बराबर, वाई बी मतलब योटा बाइट बराबर 10 से 24 जेड बी जेटा बाइट, एक बीबी मतलब ब्रॉन्टो वाइट बराबर 10 से 24 योटा बाइट, एक जीबी, अब देखिए यहाँ पर जो जीबी आया ये जीबी और जीबी में अंतर है, यहाँ पे जीपो बाइट, जीपो बाइट बराबर 10 से 24 बीबी। ये सबसे बड़ी यूनिट है, ये सबसे बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी है। अगर आप कहीं लिखा हुआ है आज किसी का हमें जीपो बाइट का आपको दे रहे हैं तो उसमें देखना होगा कि जीबी के बारे में जीपो बाइट लिखा ही नहीं लिखा है, और ना जीबी यहाँ पर भी होगा और जीबी ये भी लिखा होगा, जो कि सबसे बड़ी यूनिट होती है, सबसे बड़ी इकाई होती है। अब इसको याद करने का तरीका समझ लीजिए, किस तरीके से आपको याद करना है। बाइनरी डिजिट कितनी होती है, 1 बिट की होती है, 0 या 1 हो सकती है, जिसको 1 को आप ट्रू बोलते हैं, 0 को फॉल्स बोलते हैं, 1 को ऑन बोलते हैं, 0 को ऑफ बोलते हैं। अब उसके बाद दूसरा, 1 डिजिट बराबर 4 बिट, 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1 केबी बराबर 10 से 24, 1 एमबी बराबर 10 से 24। देखिए सब में 10 से 24 आ रहा है, और ये एमबी उठ के यहाँ पे आ रहा है, जीबी उठ के यहाँ पे आ रहा है, ईबी उठ के यहाँ पे आ रहा है, बीबी उठ के यहाँ पे आ रहा है, ईबी उठ के यहाँ पे आ रहा है, वाईबी उठ के यहाँ पे आ रहा है, बीबी उठ के यहाँ पे आ रहा है। बहुत आसान तरीका है, आप इसको याद कर सकते हैं। देख लीजिए पूरा प्रोडक्ट आपको डिस्क्राइब कर दिया, आप उसका वीडियो में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप अपने पास डायरी कॉपी में नोट करके लिख भी सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें कंप्यूटर के कोई ना कोई क्वेश्चन आते हैं पूछे जाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर की यूनिट से, कंप्यूटर की इकाई से भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस तरीके से आपको कंप्यूटर की यूनिट के बारे में पूरा हमने डिस्क्राइब कर दिया है यहाँ पर, और आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1 बाइट बराबर कितने निबल होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, 1 बाइट बराबर कितने निबल होते हैं, 1 बाइट बराबर 2 निबल होता है। इस तरीके से हमने बता दिया कंप्यूटर की इकाई का, पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा बोर्ड पर आपको क्लियर दिख रहा है, कोई भी समझ में ना आए तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर अपनी क्वेरी को पूछे, आपकी क्वेरी का आंसर दिया जाएगा। ये छोटा सा वीडियो छोटे कम समय के लिए बनाया गया और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज आपको इस टॉपिक के साथ, आपको हम ओके थैंक यू। फिर आप एक बार लास्ट में, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करें, जिससे आपके कमेंट में जो क्वेरी पूछेंगे उस क्वेरी को बताया जा सके। ओके थैंक यू, ऑल द बेस्ट।